RX100 एक ब्रांड, एक नाम, जिसे खरीदने के लिए लोग आज भी लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी बाइक जो हर एक युवा के दिलों पर राज करती थी, जिसे चलाना हर किसी एक युवा का सपना होता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, लोगों में इतनी मांग के बाद भी RX100 जैसी लेजेंडरी बाइक पर प्रतिबंध लगा दिया गया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, RX100 को यामा द्वारा 1985 में बनाया गया। शुरुआत में RX100 को जापान से एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन इस दौरान कंपनी को काफी खर्चा झेलना पड़ता था। इसे देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया कि RX100 को इंडियन कंपनी एस्कॉर्ट के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर बाइक की बात की जाए तो इसमें एक 100cc का इंजन था, जिसके चलते यह बाइक बड़ी बड़ी बाइक को मिनटों में हरा देती थी। यहां तक कि बुलेट जैसी लेजेंडरी बाइक भी इसके सामने फीकी नजर आती थी। जब RX100 को लॉन्च किया गया तो इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 16,000 रुपए थी, जो कि अब के लाखों रुपए के बराबर होते हैं। RX100 ज्यादातर अमीर घरों में ही देखी जाती थी। दोस्तों, RX100 की दीवानगी उन दिनों अलग सतह पर ही थी। हर कोई इसकी स्पीड और इसकी आवाज का दीवाना हो चुका था। यहाँ तक कि फिल्मों में भी इस बाइक का इस्तेमाल किया जाने लगा था। दोस्तों, अगर आप भी RX100 के दीवाने हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आज भी RX100 किस किस के पास मौजूद है। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों RX100 को बैन किया गया? देखिए दोस्तों, RX100 की ताकत और स्पीड का फायदा अब जो उठाने लगे थे। मिनटों में एक आदमी को लूटकर RX100 से गायब हो जाते थे और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। अब लोग RX100 जैसी लेजेंडरी बाइक्स का गलत इस्तेमाल करने लग गए थे। इसी दौरान सरकार ने एक नया नियम भी लागू किया गया, जिसमें सभी टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स को भारत में बैन किया गया, जिसके चलते RX100 भी भारत में बैन हो गई। देखिए दोस्तों, RX100 अब भी भारत में वापस आ सकती है या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।